हेलो दोस्तों, मेरा नाम गफ़ार है और मेरे चैनल का नाम गफ़ार टेक है। आज मैं आपको रेशे डालना सिखाऊंगा। पैंट से रेशे कैसे पड़ते हैं, पैंट से पोलिस वाले रेशे हम कैसे डाल सकते हैं, ये सब आज मैं आपको दिखाऊंगा भी और ये इसके बारे में बताऊंगा भी। तो दोस्तों, आप देख ही रहे हो किस तरह के ये हमारा टेबल है और ये हमारा पट्टे वाला रेगमार 80 नंबर का है, जिससे कि हमने रगड़ाई करनी है, जो बहुत ही पुराना था और मतलब काफ़ी ज़्यादा इसे पुराना पैंट पड़ा हुआ था और जो हमारी पहली पॉलिश थी ना वो सारी कट चुकी है इसमें। तो सारी जब पॉलिश कट चुकी है तो वो हम रेगमार से मतलब थोड़ा रेगमार लगाना उसको रिमूव कर रहे हैं और थोड़ा बहुत निकाल रहे हैं, जब तक जो कच्चा कच्चापन है वो निकल जाएगा और जो नहीं निकलेगा तो उसका हम उसे अच्छी तरह से झाड़ के, कच्ची पक्की हमारी एक फिलिंग होती है तो उस फिलिंग को इस पर मारेंगे। तो अभी हमने रेगमार से इसको तैयार कर रहे हैं। ये हमारी चाक मिट्टी है और बहुत से पेंटर जो हमारे काफ़ी ज़्यादा पेंटर हैं उनको ये नहीं पता कि चाक मिट्टी से कच्ची पक्की फिलिंग किसको बोलते हैं और किससे बनती है। तो मैं आज बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ये हमारी चाक मिट्टी है और इसके अंदर हमने पानी डाला है। अब इसको हम बनाने के तैयार कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारी ये चाक मिट्टी तैयार होगी, ये बन के तैयार हो गई है। ये हमारा गोल्डन ब्राउन पेंट इनेमल, ये गोल्डन ब्राउन इनेमल पेंट है जिसमें कि तारपिन पड़ती है। तो इस पेंट को अब हम इसमें डालेंगे। पहले अच्छी तरह से हमने पानी से इसको मिक्स कर लिया है। आप भी अगर अगली बार ऐसे कभी बनाओ तो ये पुट्टी इस तरह से आपने बनानी है, लकड़ी के लिए, दरवाज़ों के लिए या टेबल के लिए या आप दीवार के लिए, दीवार पे भी आप ये यूज कर सकते हो पेंट के लिए। तो मैंने इसको अच्छी तरह से टेबल को रगड़ दिया था। अब ये हमारी कच्ची पक्की फिलिंग तैयार हो गई है, इसको बोलते हैं हम चाक मिट्टी की फिलिंग, मतलब चाक मिट्टी का जो फिलिंग पहले, अब तो नहीं चलती, बहुत कम चलती है और अब तो इसकी जगह कुछ एक्रेलिक पुट्टी आ गई बाल्टी वाली, लेकिन ये ज़्यादा ज़्यादा अच्छी है। तो पहले आपको क्या करना होगा कि बाल्ट जो अपना, जब कभी भी आप बनाओगे तो सबसे पहले आपने पानी से अच्छी तरह से बनाना है उसको, उसके बाद पेंट डालना है। जैसे कि मैंने पानी के साथ बना दी थी पुट्टी, हमने पानी डाल के चाक मिट्टी को अच्छी तरह से बना लिया था, तब मैंने इसमें पेंट डाला था। वैसे भी आप पेंट जिस तरह मैंने डाला वैसे ही आप डाल सकते हो। और टेबल पे मैंने प्राइमर नहीं लगाया था, बिना प्राइमर के ही मारा था क्योंकि इसमें ऑलरेडी मैंने पेंट बहुत डाल दिया था तो उसमें प्राइमर लगाने की ज़रूरत नहीं थी। ये हमारा गोल्डन ब्राउन पेंट है, हमने उसकी रगड़ाई कर ली अच्छी तरह से 120 नंबर से और 320 के से भी, जहाँ पे 120 नंबर से काटना था वहाँ से 120 नंबर से हमने काट लिया है, जो हमारा टेबल था जो पुट्टी हमने लगाई थी, और जहाँ 320 का लगाने की ज़रूरत थी वहाँ 320 का, मोटी जगह 120 का लगाया था और जहाँ पे हमने शायद मतलब हल्का हल्का रफ था वहाँ पे तो वहाँ पे 320 का लगाया था। ये हमारा गोल्डन ब्राउन पेंट है। अब इसका हम इस पर कोट लगाने जा रहे हैं। फिलिंग तो हमारी हो गई थी, दो दो फिलिंग की थी हमने और रेगमाल मार के आप देख ही रहे हो किस तरह का टेबल हो गया और किस तरह का था टेबल ये हमारा और अभी किस तरह का हो गया है। अब कोट मारने के बाद फिर देखना आप कि किस तरह का ये हमारा हो जाएगा। तो हमने जो गोल्डन ब्राउन के जो पेंट के जो कोट दिए हैं ना वो हमने दो दिए हैं और हमें दो ही हमने देने थे क्योंकि सिंगल कोट में कवरिंग नहीं आती। सिंगल जो कोट होता है वो हमारा जो हमने फिलिंग की थी तो वो चूस लेता है, फिलिंग हमारी सिंगल तो जैसे कि वो चूस मार लेता है, मतलब सिंगल कोट में फिनिशिंग नहीं आती तो सारा जो पेंट जो हमारा होता है वो अंदर जो हमारी पुट्टी लगी होती है तो वो चूस लेती है तो इसके लिए फिनिशिंग नहीं आती, इस करके हमने इसमें दो कोट दिए हैं। और आप भी अगर दोस्तों अगर रेशे डालना चाहते हैं तो आप भी दो ही कोट देना, सिंगल कोट नहीं देना, नहीं तो आपका मतलब कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि जब रेशे आप डालोगे तो रेशे आपके जैसे डालोगे वैसे ही जोड़ जोड़ आपके आ जाएंगे, इसमें जोड़ पड़ने लगेंगे क्योंकि ये भी एक चीज़ है और इससे भी आपको पता है कि जोड़ पड़ जाते हैं। ये नहीं है कि इनेमल पेंट जोड़ नहीं आएंगे क्योंकि इसमें भी जोड़ आते हैं। जब अंदर से चूस कोई चीज़ है अगर अंदर से सूखी होगी और उसको ज़रूरत होगी तो वो चूसेगी चूसेगी, वैसे ही आपके इसको भी वो चूस सकती है और जो 100% जब आप निकालोगे तो वो जोड़ आएंगे आएंगे। तो जैसे कि हमारे डबल कोट हो चुका है, अब अभी हम इस पर कुछ रेशे बनाने जा रहे हैं। तो रेशे किस तरह बनेंगे वो हम आपको दिखा देते हैं। और ये डबल कोट हमने अच्छी तरह से कर दिया है गोल्डन ब्राउन पेंट का ये, और आपको बता देता हूँ जो गोल्डन ब्राउन पेंट है ये हमारा सिर्फ ऑल बेस पेंट है और इसमें तारपिन मिलती है और इसमें हमने प्राइमर डालने की, मतलब जो आप सोचोगे इसमें हमने फिलिंग करने के बाद प्राइमर क्यों नहीं लगाया, प्राइमर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जब फिलिंग कच्ची पक्की आप करते हो तो प्राइमर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ये हमारा ब्राउन पेंट है, ब्राउन पेंट हमने डाला है इसमें और इसके अंदर जो तारपिन पड़ी थी
तो ये ब्रॉन पेंट हमने काफ़ी पतला कर लिया है, एक लीटर में आधा लीटर ऐसा समझ लो कि आप एक लीटर में आधा लीटर तार पेंट कम से कम डालोगे, एक लीटर में अगर आपने रेसिन निकालने हैं गोल्डन ब्रॉन पेंट के ऊपर ब्रॉन पेंट के, तो एक लीटर में आधा लीटर तार पेंट आपने डालनी होगी जैसे कि मैंने इसमें डाली है। तो वैसे ही मैं आपको बता देता हूँ कि एक लीटर में आधा लीटर, अब अपने हिसाब से आप चाहे 100 ग्राम तेल में 50 ग्राम 100 ग्राम सॉरी 100 ग्राम पेंट में 50 ग्राम तार पेंट डाल लो, मतलब एक लीटर जैसे वह हो गया आपका, तो आधा लीटर तार पेंट आपको ज़रूरी है, तभी ये रेसे आप निकाल पाओगे। अगर गाढ़ा गाढ़ा आपका रहेगा तो ये रेसे नहीं निकाल पाओगे, ना ही रेसे निकलेंगे। और रेसे जो दोस्तों मैं निकाल रहा हूँ ये सिर्फ आम कपड़ा है, जैसे जो धोती होती है दुकान पर मिलती है वैसे ही है, और ये मैंने घर के अंदर काम किया था, अपने ही घर के अंदर काम किया था, तो अब देख ही रहे हो कि किस तरह से मैंने किया है। तो उस तरह से मैंने आपको दिखा भी दिया है किस तरह से, ये कपड़ा है आम कपड़ा है, सूती है, आप दुकान से ला सकते हो सूती कपड़ा है, और इस तरह से आप भी रेसे निकाल सकते हो, बहुत ही आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है रेसे निकालना। और अगर आपको लगता है एक बार में नहीं आए रेसे तो आप दोबारा भी इसमें गद्दी मार सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ना ही इसके कोई जोड़ पड़ते ना ही कुछ प्रॉब्लम आते। और गाइस एक बात और बता देता हूँ आपको मैं कि ये जो है अगर आप कभी भी ये काम करो तो इसमें आपने एक चीज़ का ध्यान देना है कि इसमें जो कोने जो होते हैं ना वहाँ पे आपका माल इकट्ठा हो जाता है, तो वहाँ पे जोड़ नहीं आने चाहिए, मतलब जब भी अगर आप काम करोगे तो गद्दी अगर ज़्यादा बड़ा एरिया है तो मोटे ज़्यादा कपड़ा लेके रेसे निकाल सकते हो, अगर थोड़ा कम एरिया है थोड़ा है तो उसमें थोड़ा कपड़ा लेके तब आपने रेसे निकालने हैं, तो आपके अच्छे निकल के आएंगे, और रेसे जब भी निकलेंगे जबकि आपके उंगलियों के बीच में कपड़ा होगा, उंगलियों के बीच में आपका कपड़ा होना चाहिए क्या, और उंगलियों के बीच में अगर आपका कपड़ा आया और ज़ोर से आपने दबाश दे दी इसमें तो आपके रेसे निकलते चले जाएंगे, जहाँ जहाँ आप दबाश दोगे वहाँ से रेसे निकलने चालू हो जाएंगे ऑटोमेटिक, आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिक निकल जाएंगे तो आप खुद ही निकाल दोगे। जैसे कि देखो आप देख ही रहे हो किस तरह से मैंने इस पर रेसे निकाल दिए हैं और किस तरह से ये टेबल लग रहा है, और शुरू में टेबल ये था कैसा और अब कैसा है वो आप खुद देख लेना, तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसका अंतर दिख जाएगा। और एक बात और बता दूँ आपको, अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो मैं डिस्क्रिप्शन में टाइटल में अपना नंबर दे दूँगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो, तो मैं आपको आपकी हेल्प कर दूँगा, सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक हेल्प कर दूँगा। बाई चांस अगर मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ आपका तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं आपका फ़ोन देख के वापस कर दूँगा आधे घंटे एक घंटे में, जब मैं फ्री हो जाऊँगा अपने काम से तो मैं आपको फ़ोन करूँगा और आपसे पूछूँगा, और आप मेरे को बता देना कि ये प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा। और दोस्तों ये हमारा है गोल्डन वार्निश पाउडर, ये है गोल्डन पाउडर, इसको हमने दिया है, और ये है हमारा वंडरफुल टच वुड नेरोलक का जो वार्निश हम बोलते हैं वो है ये। तो दोस्तों इस वार्निश को हमने इस पाउडर में मिक्स किया है इस तरह से, मिक्स करने के बाद में फिर इसको हमने लगाया है पायों पे, जो हमारे टेबल के पाए हैं उस पे लगाया है, तो और ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना आपने, नॉर्मल माल रखना है आपने, ज़्यादा गाढ़ा रखोगे तो फटाफटा सा आएगा, शाइनिंग नहीं आएगी और चमक भी नहीं आने वाली। तो जैसे कि मैंने ये गोल्डन पाए हैं, ये हमारे पाए थे, तो पहले भी आपने टेबल की हालत देखी थी कैसी थी, और अभी फ़िलहाल मैं देख रही हूँ टेबल की हालत कैसी है, तो वैसे ही मैं इसे मैंने किया है, अभी आपको दिखा देता हूँ पूरा टोटल दिखा देता हूँ कि किस तरह से हमारा ये बना है पूरा टेबल, तो आपकी समझ में आ जाएगा और आप भी इसे कर पाओगे। गोल्डन जो पाउडर जो होता है इसके अंदर सिर्फ टच वुड पड़ती है, या एशियन का टच वुड डाल दो या फिर नेरोलक का वंडरफुल, वंडरफुल नेरोलक का जो होता है उसे हम टच वुड ही बोलते हैं, वार्निश भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा तैयार हुआ टेबल, पहले की तस्वीर भी मैंने आपको शुरू में दिखा दिया और बाद की तस्वीर भी आप देख रहे हो कि किस तरह से ये तस्वीर थी और किस तरह से इस पर रेसे पड़ के किस तरह से चमक आ गई। तो मैंने आपको बताया कि गोल्डन ब्रॉन में और ब्रॉन से हम कैसे किस तरह से निकाल सकते हैं। और दोस्तों ये आपको दिख रहे हैं ना, ये ऊपर कपड़े टंगे हैं वो इसके अंदर तक दिख रहा है, मतलब चमक दिख रही है, और इतनी अच्छी फिनिशिंग आई है, बहुत जवाब की फिनिशिंग आई है, फिनिशिंग आप देख के भी हैरान हो जाओगे, और आप खुद करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ वाकई में किसी ने हमें बताया और सही तरीका बताया। तो दोस्तों अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों में, और जो हमारे नए हैं चैनल पर वो उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक और शेयर तो ज़रूर करें अपने दोस्तों में, ज़रूर इसे भेजें वीडियो को आगे से आगे।